अबे अंधा है क्या, ध्यान से चल ले। तुझे मेरी गाड़ी मिली है क्या टकराने के लिए? अरे राजू भैया तुम है? मैं राजू? अरे राजू भैया हमको भूल गए? मैं चला जा यार, अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, तू बीच में टकरा गया। राजू भैया आप हमेशा यही करते हो मेरे साथ, हमेशा हमको भूल जाते हो। भाई चला जा यहाँ से, अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ यार। हमको भी ले चलो राजू भैया। अबे जा यार जा, ध्यान से घर चला जा। अरे पुलिस भैया तू? टिल्लू यार कहाँ चला गया ये? एक बार मिल जा सर इसकी बहन का। तू मेरे बेटे शांत, मेरे बेटे शांत। अरे ऐसा थोड़ी होता सर, आपको पता, मुझे पता है। ये देख रहा, छह की छह उतार दूंगा। सॉरी सर, वहाँ की गर्मी, यहाँ मत उतरवा। क्या हुआ सर, कुछ खो गया क्या? नहीं नहीं, यहाँ से भी एक चोर बैंक लूट के भागा है, बहुत खतरनाक है। साहब उसे ढूंढ रहे हैं। पता नहीं आजकल के युवाओं को क्या हो गया, भोसड़ी के ना तो कोई डॉक्टर बनना चाहता, ना इंजीनियर, ना साइंटिस्ट, सारे के सारे दल्ले चोर बनना चाहते हैं। अगर ये बात सब समझ जाएं तो मुसीबत ही ना हो। तुम अच्छे इंसान दिखते हो, ऐसा काम कभी मत करना, और तुम थोड़ा ध्यान से रहना। सर मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, कट जाओ मर जाओ, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं गलत काम नहीं करूंगा। सर साले कल से ध्यान से टाइम पे नहीं आया ना, तेरी दिहाड़ी काट लूंगा। अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे तो अपने मालिक के घर झाड़ू पोछा करने जाना था। अच्छा ठीक है बाबू, आराम से अगला। ये रूम किसने साफ किया? अरे यार भूत तो नहीं था? साड़े तो पागल वागल तो नहीं है, मुझे लगता है गलती से ही पैदा हो गया। अगर वो रात ना होती ना तो आज तू ना होता। पता नहीं भाई किसने साफ कर दिया, तू रुक मैं देख के आ रहा हूं। बाबू? हाँ बाबू, कर ली चीची। अरे मेला बाबू कौन है रे? मालिक हम आपके नौकर। नौकर? हाँ मालिक, हम टिल्लू। अच्छा हाय दादा। तो इससे डर रहा था? अरे तो नौकर है अपना यार। नमस्ते भैया। मैं तेरे थप्पड़ दूंगा नमस्ते भैया के। नौकर है चाय, मेरी बात सुन। आज से तू है इस घर का परमानेंट लॉयल रईस नौकर। सही बात है, तो एक काम करियो, घर के जितने जाने हैं ठीक है ध्यान से साफ कर दियो। हाँ। अरे बैठा है। क्या हो गया? हाँ बैठा है। वह कौन है, तू डंडा दियो। कौन था ये? मुझे क्या पता। अंधा है क्या, चूती है? ये चल क्या रहा है? आओ ना मालिक बैठो। कौन था वो? मालिक वो नौकर था जी। सालो देने के लिए तुम पे किराया नहीं है और तुमने घर में नौकर रखा हुआ है। हाँ मालिक, मैं नौकर आया, काम किया, चला गया। मैं सालो का दूध पीता बच्चा हूँ क्या, जो तुम कुछ भी बोलोगे मैं मान जाऊंगा? मालिक मानना पड़ेगा, मैं आपको सच बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? मैं आपकी कसम खाता हूँ मालिक, मेरी माँ, इसकी माँ। तेरी माँ या इसकी माँ? इसकी माँ। मेरी माँ? तेरी माँ। रो मत मालिक, मैं आपको आपकी कसम सच बोलूंगा, इसकी माँ ना एक दिन रिक्शे से जा रही, रिक्शे वाले ने बोला 10 रुपए सवारी हल्की हो या भारी, इसकी मम्मी बैठ गई और जैसे ही मम्मी बैठी रिक्शे का टायर फट गया और इसकी मम्मी को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। मेरी माँ। देखो देखो बच्चा कितना उदास हो गया। माँ का प्यार ही ऐसा होता है मालिक। हेलो। हाँ मम्मी, आप कहाँ पे हो?
अबे साले झूठ बोल रहा है, मेरी माँ तो ठीक है। तब तूने मेरी माँ की कसम झूठी खाई? मालिक मैंने तो आपकी कसम खाई, आपकी माँ की कब खाई? सुनो, मुझके आज के आधी पैसा चाहिए। आज पैसे चाहिए मेरे को। मैं आपको कल ये लो पैसे। मुझे पता था सालो तुम पे पैसे हैं, लेकिन तुम्हारी देने की नियत नहीं है। पैसे कहाँ से? पता नहीं। ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मुझे नहीं पता, वहाँ पड़े थे, मैंने उठा लिए। पड़े थे कहाँ? पड़े थे मुझे सच में नहीं पता, मम्मी कसम। छोड़ ना, आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करेगा। हाँ भाई, बात तो सही है यार। क्या बात सही है यार, ये पैसे किसी और के हैं, हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मैंने तेरे थप्पड़ मार दिया ना तो 3-4 बार बिखर के पैदा हो जाएगा। साला नोबिता की थर्ड कॉपी, चुप हो जा। सुन, एक काम कर, इन पैसों को ना बैग में भर, छुपा के लाइट लेंगे कोने में रख दे। ठीक है भाई, ठीक है, किसी को पता ना लगे। किसी को भर ले तू। मैं भर ना। सुन ना, मार खाएगा मेरे हाथों से। एक भी नोट कम ना हो जाए। अब आ गया मेरे पास मोटा पैसा। सबसे पहले लड़की पटाऊंगा, लौंडियां नचाऊंगा, पहले रशिया जाऊंगा, फिर लंदन जाऊंगा, जापान जाऊंगा, सारी ऐश करूंगा। और वो साले एक पट्टू एक आशिक की तक खिला दूंगा। क्या गाड़ी थी, सबसे पहले एक ऐसी गाड़ी लूंगा, एक नंबर गाड़ी। इसकी वाइट है, मैं लूंगा एकदम ब्लैक स्कॉर्पियो। पैसे लेकर आ। अबे भाई, मैंने पहले ही कहा था हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, देखा फंस गए ना। तुमने बहुत बड़ी गलती तल दी बाबू। तबली ते पैसों पर नजर मालतल, कुत्तों ते मुंह ते हड्डी, और बाबू तबली के पैसों की गलती मालना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अंदर ने, अरे बॉस मैंने तुम्हें बोला ना मैं टिट्टी करी आया। अरे बाम दही ने, अरे बॉस सुबह से 2 बार करी आया, तुम्हारी कसम। अरे यार तू बाम दही ने, भाई हमें माफ कर दो भाई। कहाँ है मेरे पैसे भाई? मुझे पता आपका सारा पैसा किधर है। मैं ना सुबह एक झील के पास गया था, वहां पर ना मैंने बहुत लंबा सा पाइप देखा था। और अबे ये सब मुझे क्यों सुनाना है, पता पैसे कहाँ है? भाई भाई रुको, मैं बता रहा हूँ भाई। उसी झील के पास ना मैंने उसी लंबे से पाइप में उस पैसे को छुपा दिया था। मैं कल आपके सारे पैसे लाकर दे दूंगा। ठीक है, अदल तल तुबे तक पैसे नहीं मिले तो तुम तीनों तो पीतल बल दूंगा। लेकिन इसमें तो लोहे की गोली है। अरे तल यार भाई, सारे पैसे देना जरूरी है क्या? सारे तुझे अभी भी पैसे की पड़ी है, मैंने मेरी गांड तोड़ दी। अबे भाई थोड़े पैसे बचा लेते हैं ना। साले तो उनके तोतले बॉस को नहीं जानता, बोलता कम है मारता ज्यादा। यार मोमोस खा लेंगे। साले चुपचाप उनके पैसे दे दे, चला यार देख ले यार। अरे क्या लगता है त्रंबल, वो तीनों तूपे लेता लाएंगे। तूपे? अरे तूपे तूपे तूपे। अच्छा रुपए। ए बॉस तुम एकदम ही चूतिया हो क्या? उन तीनों की आंखों में अपना खौफ नहीं देखा क्या तुमने? अरे बत्तल पतले लुलाए दत्या। अरे दो नंबल तू भी तुझ बोल। अरे बोल ना। अरे एक तो ये साला बेला है, मन तत्ते की दान में डोली मार तू। अरे नहीं नहीं बॉस, मैं राजमा चावल खा के आया हूँ। कौन से कूड़े में रहते हैं? अबे भाई ये कूड़ा नहीं है,
ये सबसे ज्यादा सुनसान इलाका है यहाँ का। पूरा उनका बॉस। अरे बॉस, वो देखो, वो दोनों आ गए। रुपए लायो। रुपए? पांग पांग। चुप हो मांग रहा। अरे रुपए। रुपए। ये लो भाई, भाई ये रहे आपके रुपए। और हमारा पीछा छोड़ो, हमें माफ करो। लुटो। पैसे तैतल। अरे बॉस, तुम्हें कितनी बार बोला मेरे को नहीं खाने तुम्हारे राजमा चावल, में खा के आया हूँ। अरे तू तैतल। बॉस, पूरे पैसे। ठीक है, आइंदा मेरे खिलाफ बोल रही थी। सोचित भी मत अन्ना। ठीक है बॉस। डोली तल लाई दी। चलो अच्छा हुआ, ताले पैसे आ गए। अरे बॉस, पुलिस पुलिस आ रही है। पुलिस को हमारे अड्डे के बारे में किसने बताया? ओए बाद बाद सुन, ताले पैसे ध्यान से लेता रहियो। तुम्हारा बैग है क्या भाई साहब? हाँ भैया, हमारा है। ले जाओ यार। छूट गया है बैंच। बच्चा है ना, पैसे दे। अबे दे ना। अबे यार, दोनों ही तूतिया मिले मेरे तो। पिक्चर अभी बाकी है भाई। सुन। हाँ भाई। कल उसके अड्डे पे पैसे देने तो जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तू एक काम करियो, एक स्पीकर ले चलियो। ठीक है। उस स्पीकर में हम पुलिस की साउंड चलाएंगे, उन्हें लगेगा पुलिस आ गई और वो भाग जाएंगे और उनका सारा पैसा हम ले आएंगे। भाई मुझे डर लग रहा है। भाई देख, डर के आगे जीत है, ऋतिक रोशन यही कहता है हमेशा। चल भाई फिर। पक्की बात है? चल चल, आ जा, तेरे पट्टी करवा दूं। Hey guys, thank you so much watching this video. I hope आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो। लगभग 2.5 साल बाद दोबारा शुरू किया था, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी, दोबारा ट्राई किया है, मेहनत बहुत लगी है, तबीयत खराब है, गला सुन के पता लग रहा होगा, बहुत जल्दी जल्दी बनाई है, ठीक है, टाइम भी दिया है, तो बस तुम लोग लाइक कर देना, एक एक कॉमेंट ज़रूर लिख देना, प्यारा सा कॉमेंट कर आना, ठीक है। बाकी नीचे इंस्टाग्राम हैंडल आ रहे हैं, बाकी सोशल मीडिया हैंडल आ रहे हैं, जाके फॉलो कर लो, और व्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। बाय बाय।